नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही हो गए। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू के मोटो व्लॉग्स। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी की वजह से हमारे चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो उसके लिए आप सभी का दिल से थैंक यू। सो आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में अगर बात करें, तो आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे TVS Apache RR 310 BS6 और KTM RC 390 BS6 का। दोस्तों, इंडियन टू व्हीलर मार्केट में फुली फेयर स्पोर्ट्स सेगमेंट के अंदर 3 लाख रुपए में ये दोनों बाइक्स बेस्ट ऑप्शन हैं, लेकिन इन दोनों बाइक्स में से भी कौन सी बाइक बेटर है और आपको कौन सी बाइक परचेज करनी चाहिए, इन सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको इन दोनों बाइक्स के कंपैरिजन के बारे में सब कुछ जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका किसी भी बाइक को लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, TVS की तरफ से Apache RR 310 और KTM की तरफ से RC 390 इन दोनों बाइक्स के BS6 वेरिएंट इंडियन टू व्हीलर मार्केट में आ चुके हैं। Apache RR 310 के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को अपग्रेड किया गया है, लेकिन RC 390 के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। दोस्तों, बेसिकली ये दोनों ही बाइक्स एरोडायनेमिक एग्रेसिव डिजाइनिंग वाली मशीन है, लेकिन इंजन के बारे में अगर बात करें तो TVS की Apache RR 310 के अंदर 312.2 cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 4-वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड DOHC इंजन है, और RC 390 के अंदर 373.3 cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 4-वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड DOHC इंजन है। दोनों बाइक्स की इंजन डिस्प्लेसमेंट में 61 cc का डिफरेंस है, क्योंकि Apache RR 310 के अंदर थोड़ा छोटा इंजन है और RC 390 के अंदर थोड़ा बड़ा इंजन है। लेकिन दोस्तों, दोनों ही बाइक्स की इंजन रिफाइनमेंट और इंजन रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और दोनों बाइक्स की आउटपुट फिगर्स के बारे में अगर बात करें तो RR 310 की मैक्सिमम पावर है 34 PS और मैक्सिमम टॉर्क है 27.3 न्यूटन मीटर। RC 390 की मैक्सिमम पावर है 43.5 PS और मैक्सिमम टॉर्क है 36 न्यूटन मीटर। सो दोनों बाइक्स की पावर में 9.5 PS का डिफरेंस है और टॉर्क में 8.7 न्यूटन मीटर का डिफरेंस है। RC 390 की पावर और टॉर्क आउटपुट RR 310 से काफ़ी बेटर है। सो दोस्तों, परफॉर्मेंस और एक्सीलरेशन के मामले में RC 390 थोड़ी बेटर स्टैंड करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि RR 310 अच्छी बाइक नहीं है, क्योंकि RR 310 के अंदर थोड़ा छोटा इंजन है, लेकिन इस बाइक की भी परफॉर्मेंस और एक्सीलरेशन काफ़ी अच्छा है। अपनी जगह पे ये बाइक भी काफ़ी अच्छी स्टैंड करती है। लेकिन दोस्तों, मेन बात है दोनों बाइक्स के प्राइस की, क्योंकि Apache RR 310 का एक शोरूम प्राइस है 2,40,000 और RC 390 का एक शोरूम प्राइस है 2,53,000। तो दोनों बाइक्स के एक शोरूम प्राइस में 13,000 का डिफरेंस है, और ऑन रोड प्राइस के बारे में अगर बात करें तो Apache RR 310 का ऑन रोड प्राइस है 2,72,000 और RC 390 का ऑन रोड प्राइस है 2,96,000। सो TVS के Apache RR 310 के लिए आपको थोड़ा सा कम स्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप RC 390 के लिए जाओगे तो इसके लिए आपको 13,000 ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, प्राइस के अकॉर्डिंग दोनों ही बाइक्स वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हैं, क्योंकि इन दोनों बाइक्स का जितना प्राइस है उतनी ही वैल्यू दोनों बाइक्स प्रोवाइड करती हैं। अब बात करते हैं दोनों बाइक्स के फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, दोनों बाइक्स के अंदर 6-स्पीड ट्रांसमिशन है और असिस्टेंट स्लिपर क्लच भी है। दोनों ही बाइक्स ट्रेलिस फ्रेम पे बेस्ड हैं, और दोनों बाइक्स के सस्पेंशन के बारे में अगर बात करें तो दोनों के अंदर 43mm के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं और रियर में एडजस्टेबल मोनोशोक सस्पेंशन है। दोस्तों, दोनों ही बाइक्स की रोड स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है और रोड प्रेजेंस भी दोनों बाइक्स की काफ़ी अच्छी है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो दोनों बाइक्स के फ्रंट और रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक है विद स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ABS। टायर्स के बारे में अगर बात करें तो दोनों बाइक्स के फ्रंट में 110/70 सेक्शन का फ्रंट टायर है, 150/60 सेक्शन का रियर टायर है। दोस्तों, दोनों बाइक्स का सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दोनों बाइक्स के अंदर अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं और ड्यूअल चैनल ABS है। अब बात करते हैं दोनों बाइक्स के डायमेंशंस के बारे में। सो दोस्तों, RR 310 की फ्यूल कैपेसिटी है 11 लीटर्स की, लेकिन RC 390 की फ्यूल कैपेसिटी है 9.5 लीटर्स की। सो RR 310 की फ्यूल कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, और इस बाइक में माइलेज भी आपको RC 390 से थोड़ी सी बेटर देखने को मिलेगी। वेट की बात करें तो RR 310 का वेट है 174 kg और RC 390 का वेट है 166 kg। सो पावर टू वेट रेशियो के मामले में RC 390 थोड़ी सी बेटर है। सीट हाइट की अगर बात करें तो RR 310 की सीट हाइट है 810 mm। सो इस बाइक को शॉर्ट राइडर्स भी इजीली चला सकते हैं, लेकिन RC 390 की सीट हाइट है 820 mm। सो इस बाइक की सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, और ये बाइक शॉर्ट राइडर्स के लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों, दोनों बाइक्स के अंदर क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार है, और राइडिंग पोस्चर की अगर बात करें तो RR 310 के अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव राइडिंग पोस्चर नहीं है। इस बाइक के साथ आप कंफर्टेबली लॉन्ग राइड कर सकते हो, लेकिन RC 390 का राइडिंग पोस्चर काफ़ी अग्रेसिव है, और लॉन्ग राइडिंग करने के लिए ये बाइक उतनी कंफर्टेबल नहीं है। इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो RR 310 के अंदर LED प्रोजेक्टर हेडलाइट है, RC 390 के अंदर हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट है, दोनों बाइक्स के अंदर LED टेल लाइट है, LED इंडिकेटर्स हैं। दोस्तों, दोनों बाइक्स की हेडलाइट का जो इल्यूमिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है, दोनों बाइक्स की हेडलाइट काफ़ी एफिशिएंट है,
लेकिन RR310 थोड़ी सी बेटर है क्योंकि इस बाइक के अंदर LED हेडलाइट है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में अगर बात करें तो RR310 के अंदर स्मार्ट कनेक्ट नेविगेशन सिस्टम और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जिसके अंदर राइडिंग मोड्स भी हैं और राइडिंग स्टेट्स भी देख सकते हैं। सो इस बाइक के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस फीचर्स हैं, लेकिन RC390 के अंदर कॉम्पैक्ट साइज फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। दोस्तों KTM की Duke 390 के अंदर TFT डिस्प्ले वाला फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, लेकिन RC390 के अंदर Duke 390 वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल नहीं है। सो KTM इस बाइक के अंदर Duke 390 वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी दे सकती थी, लेकिन ये शायद हमें इस बाइक के नेक्स्ट जनरेशन वाले मॉडल में देखने को मिलेगा। दोस्तों दोनों बाइक्स की पिलियन सीट की हाइट काफी ज्यादा है और दोनों ही बाइक्स की पिलियन सीट कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। सो दोस्तों ये बात हो गई इन दोनों बाइक्स के फीचर्स, परफॉर्मेंस और प्राइस की। अब हम बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में कि आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। दोस्तों जो लोग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राइडर हैं या फिर जिनकी टॉप प्रायोरिटी है परफॉर्मेंस, उनके लिए KTM की RC390 सबसे बेस्ट ऑप्शन है 3 लाख रुपए के अंदर। क्योंकि अगर आपको सिटी में ही राइड करना है और आप बहुत कम राइड करते हो तो KTM की RC390 बेस्ट है। लेकिन TVS की RR310 एक फुली लोडेड फीचर्स वाली बाइक है, जिसकी फ्यूल कैपेसिटी भी RC390 से बेटर है और ये बाइक लॉन्ग राइडिंग करने के लिए भी कंफर्टेबल है। सो इस बाइक के अंदर परफॉर्मेंस और फीचर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग अपाचे RR310 थोड़ी सी बेटर है, क्योंकि इस बाइक के अंदर परफॉर्मेंस के साथ साथ फीचर्स भी काफी अच्छे हैं। लेकिन 3 लाख रुपए के अंदर ये दोनों ही बाइक्स बेस्ट ऑप्शन है। फुली फेड स्पोर्ट सेगमेंट के अंदर ये दोनों बाइक्स 3 लाख रुपए के अंदर आप परचेज कर सकते हो। सो दोस्तों अब ये आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। लेकिन आपको इनमें से कौन सी बाइक अच्छी लगती है या फिर कौन सी बाइक आप परचेज करोगे, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।